अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ दाल पालक की रेसिपी। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 कप मूंग की दाल यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने पानी में अभी भिगो के रखा है। 1 प्लेट पालक, हाफ जग पानी, हाफ मीडियम साइज़ की प्याज, हाफ स्मॉल साइज़ का टमाटर, हाफ टी स्पून नमक, 5 अदद हरी मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च एंड 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी। एक कढ़ाई में लूँगी, उसके अंदर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। पहले पालक, दाल, पानी, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके नीचे लो फ्लेम कर देंगे और इसके अंदर चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना। 2 मिनट के बाद ये देखिए बॉयल होनी शुरू हो गई है। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ था, अब मैं इसके नीचे लो फ्लेम कर दूंगी और लो फ्लेम करने के बाद हम इसे अगेन कवर करके रख देंगे पकने के लिए। पूरे 40 मिनट हो गए इसे मैंने लो फ्लेम पर रखा हुआ था, ये बनके तैयार है। अब मैं इसे थोड़ा सा पहले मैश करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 मग पानी ऐड करूँगी। इसके नीचे मैंने अब मीडियम फ्लेम कर दी है। मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था, अब मैंने इसके नीचे फ्लेम हाई कर दी है। जब तक ये थोड़ी सी बनके तैयार होती है हम तड़के का सामान बना लेते हैं। अब मैं पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी, 1 कप, और इसके अंदर मैं लहसुन के छोटे छोटे पीसेस डाल दूंगी। ये देखें, ये 3 लहसुन के जवे हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट किया है। तड़के के लिए मैंने सामान रख दिया है, ये दाल बनके तैयार है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। फ्लेम बंद कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूंगी। तड़के का सामान बन के तैयार हो गया, अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद इसे फौरन कवर करके रख देना है। मज़ेदार दाल पालक की रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।